नमस्कार, महुआ खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय नियोजित शिक्षक बेहद संकट में है। एक तरफ सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं और साथ ही साथ अब राज्यकर्मी बनने के कगार पे हैं, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जिन अप्रशिक्षित शिक्षक यानी अनट्रेंड जो शिक्षक है उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आया है उसमें 31 मार्च 2015 के बाद जिन शिक्षकों ने की ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो ये एक काफी बड़ा मामला है, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो इससे प्रभावित होंगे। जितने आंकड़े हैं उसके मुताबिक तकरीबन 20,000 ऐसे शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। क्या क्यों ऐसी परिस्थिति आई कि आज 2015 के बाद जो शिक्षक जो ट्रेनिंग नहीं पूरी कर पाए किसी कारण से उनकी नौकरी जा सकती है? क्या सरकार का इसमें कोई दखल नहीं था? क्या सरकार की इसमें कोई पहल नहीं थी? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। हमारे साथ इस समय दो शिक्षक प्रतिनिधि है, टीईटी शिक्षक संघ से राहुल देव सिंह जी है और वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी है। सबसे पहले राहुल देव जी, आपसे, नियोजित शिक्षक है एक तरफ राज्यकर्मी बनने के कगार पे है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे शिक्षक, हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी संकट में आ गई है। पटना हाईकोर्ट का आदेश है 2015 के बाद जो टीचर जिन्होंने ज्वाइन किया। जी दीपक जी, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो कल हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें ये बताया गया है कि जिनका प्रशिक्षण 3 अगस्त 2021 तक पूरा नहीं हुआ है उनको सेवा से हटा दिया जाए। तो इस बाबत मैं इतना कहना चाहूंगा कि इससे शिक्षकों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है। वैसे शिक्षक जो किन्हीं कारणवश अप्रशिक्षित रह गए हैं उनके ऊपर एक बहुत गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। उनके सामने, उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इस बाबत में इतना कहना चाहूंगा कि SCERT के द्वारा जो ODL के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करवाया जाना था, तो SCERT के द्वारा शिक्षकों की ODL की परीक्षा ली गई थी, तो उसमें तकरीबन 3,000 के आसपास ऐसे शिक्षक थे जो किसी कारणवश या तो अनुपस्थित रह गए थे या किसी कारणवश किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण रह गए थे। तो उन शिक्षकों की दोबारा परीक्षा करवाए जाने का प्रावधान SCERT की कंडिका 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। SCERT की द्वारा जो कंडिका 6 है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिकतम 2 मौके दिए जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक जो अनुत्तीर्ण हो गए किन्हीं एक विषय में या जो किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और उनकी दोबारा परीक्षा आयोजन करवाई नहीं गई SCERT के माध्यम से, तो ये विभाग की गलती बोलिए या विभाग की अनदेखी बोलिए जिसके वजह से शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। अब जब विभाग ने परीक्षा का आयोजन ही नहीं करवाया तो शिक्षक शामिल उसमें कैसे होते? दूसरी बात कि शिक्षकों ने जब इस बाबत कई बार पत्राचार किया, SCERT से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन SCERT के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। तब लोग जो इससे संबंधित लोग थे इन्होंने न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय में जाने के बाद ये केस लंबा चला, पहले डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई, फिर ट्रिपल बेंच में इसकी सुनवाई हुई और इसकी सुनवाई फरवरी में पूरी हो गई थी। फरवरी में इसकी सुनवाई पूरी करके फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और यह फैसला जो है कल के तिथि में जारी किया गया है। तो बहुत हास्यास्पद बात है कि वैसे शिक्षकों की क्या गलती है जो विभाग के वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। इसमें विभाग को सोचना चाहिए कि कम से कम शिक्षकों की इसमें कोई गलती नहीं है। शिक्षक पूरी तरह से तैयार थे परीक्षा लेने के लिए। एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के बाद जो है उर्दू शिक्षकों की काफी मात्रा में बहाली हुई थी और वो भी अप्रशिक्षित थे, तो विभाग ने उनको प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दिया। अब जो शिक्षक बहाल हो गए थे उनको प्रशिक्षित होना था, तो प्रशिक्षित होने के लिए या तो सरकार के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करवाया जाना था या नहीं तो वो स्वयं प्रशिक्षित होते। स्वयं प्रशिक्षित होने के लिए उनको आवेदन देकर संवैधानिक अवकाश पे जाना था, लेकिन इन दोनों तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। नतीजतन क्या हो गया कि ऐसे लोगों जो
2015 के बाद के बहाल थे वैसे शिक्षक, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गए थे वैसे शिक्षक, और भी जो अनुपस्थित रह गए थे वैसे शिक्षक, सबों ने अलग अलग पटना हाईकोर्ट में मामला दायर किया था और पटना हाईकोर्ट में सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया गया। नतीजतन क्या हुआ कि इसमें वैसे भी शिक्षक शामिल है जो अनुकंपा के आधार पर बहाल हुए थे और उनको प्रशिक्षित होना था, उन्होंने परीक्षा भी दी थी लेकिन किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण रह गए, तो सरकार ने उनको भी उसी दायरे में ले आया कि भाई आप प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं रहेगी। कई जिलों में ऐसा आदेश पूर्व में दिया गया था कि जो ऐसे इस प्रकार के शिक्षक हैं उनको सेवा से हटाया जाए, लेकिन कई जिलों में इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और शिक्षक अपने काम पे बने रहे, विद्यालय जाते रहे। आज के तिथि तक भी वो शिक्षक अपने विद्यालय में जा रहे हैं लेकिन वैसे शिक्षकों का वेतन लगभग एक साल से बंद है। अब ये सोचने वाली बात है कि शिक्षक विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं, सरकार के हर कार्य को अंजाम दे रहे हैं, सरकार उनसे हर प्रकार का कार्य ले रही है एक साल से, लेकिन उनको वेतन नहीं दे रही है। फिर अचानक से एक हाईकोर्ट का मामला आता है, न्यायाधीश बाहर निकल के आता है कि ऐसे शिक्षकों को हटाया जाए, तो इसमें कैसा है कि कुछ बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जो टीईटी उत्तीर्ण है, दक्षता उत्तीर्ण है, वो प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पूर्ण भी कर लिए हैं लेकिन परीक्षा के दौरान किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गए और वो पूरी तरह से फिर नाकाम हो गए। अब मामला यहां तक आ गया है कि वैसे शिक्षकों को अनुकंपा के आधार पर जिनकी भी नियुक्ति हुई थी, वैसे शिक्षकों को जजमेंट में लिखा गया है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में उनका समायोजन किया जाएगा या नियुक्ति की जाएगी। तो वैसे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो पूरी तरह से अप्रशिक्षित है, जो परीक्षा में शामिल हुए ही नहीं 2015 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन 2015 के पहले के जिनकी नियुक्ति है तकरीबन 3000 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं 2015 के पूर्व में जो अनुकंपा के आधार पर या विभिन्न तरीकों से आए हैं, वो प्रशिक्षित रह गए थे, जिनका कि नामांकन रेगुलर मोड में नहीं हो पाया था, एनवाईएस में भी नहीं हो पाया था, तो उनको सरकार के द्वारा पहल करके प्रशिक्षित करवाया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और भी राहुल देव जी, बल्कि उनके साथ एक परिवार जुड़ा जाता है, परिवार की भी समस्या हो सकती है। शैलेंद्र शर्मा जी, करे कोई भरे कोई, जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक विषय में अगर क्रॉस लग गया तो परीक्षा तो दोबारा होनी चाहिए, विभाग उनकी परीक्षा लेगा नहीं, अब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया, तो क्या अब इस शिक्षकों की नौकरी जा रही है और सरकार चुपचाप बैठी है? इसके पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय पटना ने डीएलएड के संदर्भ में जो प्रशिक्षित बीएड हैं उनको भी हटाने का कार्य किया, एकाएक आखिर किनके द्वारा नियुक्त किए गए ये शिक्षक? शिक्षक तो बेचारे हैं, ये तमाम पदाधिकारी शिक्षा विभाग के इसके लिए दोषी हैं। विज्ञप्ति पूर्ण रूपे नहीं मिल पाता है और ना ही उन्हें कोई नियम संगत बातों का उल्लेख उन विज्ञप्तियों में किया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपना प्रमाण पत्र परीक्षा सब टेट सेट एसटीईटी सीटी सीटेट देके और ये परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नियुक्त हो जाते हैं, बाद में माननीय न्यायालयों के द्वारा जो न्याय मिलता है उसे शिक्षक दोषी हो जाते हैं, शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जाता है, उन पर गाज गिर जाती है और पदाधिकारी बच जाते हैं। यहाँ मामला 2015 से पूर्व, 2015 के बाद परीक्षा लेने में अनियमितता और शिक्षक का परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना और शिक्षकों को एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाना, इसके लिए दोषी कौन है? और परीक्षा का पुनः आयोजन नहीं होना, ये पूर्ण रूपेण एससीईआरटी शिक्षा विभाग शोध एवं प्रशिक्षण विभाग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षा निदेशक और तमाम जो अपर मुख्य सचिव से लेकर तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी दोषी हैं।
आपने परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया? सवाल है, शिक्षक जो है वो पात्रता और दक्षता परीक्षा पास किए हैं और इसी बीच में आपने प्रशिक्षित होने का भी मामला उन पर किया है, और प्रशिक्षित होने में कहीं कमी रह गई? तीन तीन परीक्षाओं में सम्मिलित होना शिक्षक है या कोई सरस्वती जी का दत्तक पुत्र है? सरस्वती का पुत्र है क्या? एकदम सरस्वती जी साक्षात हैं। तीन तीन परीक्षाओं में सम्मिलित होना और एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया तो उसको कोई दोबारा मौका नहीं देना, जबकि कंडिका 6 में एससीईआरटी स्पष्ट है दो परीक्षाओं में सम्मिलित करने का प्रावधान है उसमें, और एक वर्षों से आप वेतन रोक रखे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है, क्यों वेतन रोके हुए हैं आप? क्यों नहीं स्पष्ट आदेश देते हैं? और माननीय उच्च न्यायालय भी 450 पृष्ठों का आदेश दिए हैं, अभी तो हम लोग 10-20 पेज पढ़ पाए हैं। कौन सा न्याय है और कौन सा शिक्षा विभाग है सिर्फ शोध और शिक्षकों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया अपनाता है? सारी स्थिति अभी शिक्षकों के समक्ष सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई है, और शिक्षक त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके परिवार जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं, और उन पर जो सामाजिक दोषारोपण है, क्या पढ़ें, कितनी परीक्षा पास करें, क्या क्या करें, सारा सरकार का गैर शैक्षणिक काम करें या इस विद्यालय जाएं, छात्रों को पढ़ाएं, स्वयं पढ़ें, कोई उसके लिए अवकाश की व्यवस्था नहीं है? पिछले कई डिबेट्स में हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर फैसलों का खामियाजा कहीं ना कहीं शिक्षकों को ही भुगतना पड़ता है। राहुल देव जी, जो शिक्षक, अब जाहिर सी बात है कि अगर सरकार का फैसला होता है और वो अगर फैसला कुछ इधर उधर होता है तो शिक्षक या फिर कोई भी न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब ऐसे शिक्षकों का क्या होगा? क्या सरकार उनकी बात मानेगी? क्योंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब सरकार भी कहेगी कि जब कोर्ट ने कह दिया तो फिर हम क्या करें? देखिए, अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में बहुत ही हास्यास्पद बात हमें लगता है कि इस बाबत 9-2-2019 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आरके महाजन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, और उस पत्र के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया था अपने पत्र में कि सत्र 2014-16, सत्र 15-17, सत्र 16-18 और सत्र 17-19 में जितने भी पूर्व के अप्रशिक्षित शिक्षक बचे हुए थे ओडीएल के माध्यम से, उन लोगों की परीक्षा रेगुलर वाले के साथ ही ले लिया जाए। लेकिन उस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, किस परिस्थिति में नहीं हुआ, ये तो विभाग जाने, इसका उत्तर तो विभाग के लोग ही दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी, उस पत्र के बाद भी एक और पत्र निकला था शिक्षा विभाग के द्वारा, उस समय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश जी थे, और रवि प्रकाश जी के पत्र के माध्यम से विभाग को ये बताया गया, उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि ओडीएल के माध्यम से अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित शिक्षकों का पुनः परीक्षा आयोजन करने के लिए, जिसमें कि 1756 शिक्षकों का जिक्र किया गया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। लेकिन उन आरके महाजन जी के पत्र का निर्देश और प्राथमिक शिक्षा जो रवि प्रकाश निदेशक थे उनका निर्देश, इन दोनों के निर्देशों को एससीईआरटी के द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। ये 23 में पत्र निकला है, रवि प्रकाश जी का जो पत्र निकला है वो 23 में निकला है, 4-3-2023 को यह पत्र निर्गत हुआ है, और 4-3-2023 को निर्गत होने के बावजूद भी एससीईआरटी के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा नहीं ली गई। आखिर किस कारण से नहीं लिया गया, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन है, ये तो इसका जवाब तो सिर्फ शिक्षा विभाग के लोग ही दे सकते हैं। बहरहाल, वैसे शिक्षकों के समक्ष
ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उनके परिवार के समक्ष, भुखमरी की जब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनके पास करो या मरो, या तो आत्मदाह कर लेंगे अपने परिवार के समेत, या नहीं तो सरकार के समक्ष जाके घुटने टेक देंगे कि या तो आप ही हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। क्या बोलेंगे? बोलेंगे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। जब 10 साल से सेवा दे रहे हैं, 11 साल से सेवा दे रहे हैं, अब उनको अचानक से सेवा से हटा देना, कहां से न्यायोचित प्रतीत होता है। सरकार को इस मामले में निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। न्यायालय का फैसला जो आया है, उस फैसले में समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान भी करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय को सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके वजह से ऐसा फैसला देना पड़ा। दूसरी बात कि बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में बहुत सारे मैटर को टैग कर दिया गया था, सेपरेट सुनवाई नहीं हुई थी, सब लोगों के साथ अलग अलग कारण था। तो सरकार का यह निर्देश आ गया, सरकार ने उनको बताया कि भाई प्रशिक्षित शिक्षक है। केंद्र सरकार का निर्देश था कि सभी शिक्षकों को 2019 तक प्रशिक्षित हो जाना था। इसके लिए सरकार ने एक अभियान भी चलाया था, NOIS के माध्यम से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित भी करवाया था, लेकिन जो शिक्षक नामांकन ODL के माध्यम से ले लिए थे और वो परीक्षा भी दे रहे थे, किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण कर गए या अनुपस्थित रह गए, उनको उसी माध्यम से परीक्षा देना था, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी, उनकी दोबारा परीक्षा नहीं ली गई। नतीजतन आज वो सड़क पर आने को मजबूर हो गए, घर से बेघर हो जाएंगे, उनके साथ क्या परिस्थिति होगी ये सोचने वाली बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस मामले पे पुनर्विचार करके उन सारे प्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा का SCERT के माध्यम से परीक्षा का आयोजन करवाया जाना चाहिए। दूसरी बात कि अनुकंपा के आधार पे, जिन जजमेंट के आधार पे जो बातें सामने आ रही है कि जो अनुकंपा पे नियुक्त हुए हैं उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में समायोजन या उनकी नियुक्ति की जाएगी, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो शिक्षक 10 वर्ष से शिक्षण सेवा दे रहे हैं वो TET भी उत्तीर्ण है, दक्षता भी उत्तीर्ण है, तो जब इस सारे मापदंड को पूरा करते हैं तो उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में उनकी नियुक्ति क्यों, शिक्षण सेवा में ही उनको बरकरार किया जाए। आप उनकी परीक्षा ले लीजिए, पुनः पूरक परीक्षा का आयोजन करके उनकी परीक्षा ले लीजिए, वो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, शिक्षक सेवा में बने रहेंगे। लेकिन सरकार अब क्या सोचती है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार ही बता पाएगी। एक दबाव बनाने की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि भविष्य जो है, अपने सर्विस को लेकर परीक्षा दे रहे हैं, अपने भविष्य की परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक, आखिर ये दबाव शैलेंद्र शर्मा जी कौन बनाएगा सरकार के ऊपर, इन शिक्षकों के पीठ पर कौन खड़ा होगा? अभी तो KK पाठक जी सर्वे सर्वा हैं, शिक्षा मंत्री से भी ऊपर की चीज है। तत्काल प्रभाव से SCERT के तत्कालीन जितने भी जो है अपर मुख्य सचिव महाजन जी का आदेश नहीं मानने वाले, उनको गिरफ्तार करे, उन पर एक्शन ले, उनकी सेवा समाप्त करे, SCERT के तमाम पदाधिकारियों को डिसमिस करे, और रवि प्रकाश जी का जो आदेश नहीं माना है विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी पेंशन, उनका वेतन रोके। शिक्षक तो बिल्कुल बेचारे हैं, इनको सेवा से बर्खास्त कर दे। माननीय उच्च न्यायालय को भी समझना चाहिए था, विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में याचिका दायर की गई और सभी समस्याओं की जय याचिकाओं को एक साथ कर दिया गया, अनुकंपा वाले, एक विषय अनुतीर्ण वाले, विभागीय परीक्षा नहीं आयोजन करने वाले, NIOS के माध्यम से करने वाले, ODL के माध्यम, कहां कहां शिक्षक जाएगा, किन किन आदेशों का पालन सिर्फ शिक्षक करेगा, और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी मनमानी तालिबानी आदेश जारी करेंगे, और उनके परिवार आज जो स्थिति में है, और माननीय उच्च न्यायालय को भी यह संज्ञान में लेना चाहिए, अन्यथा न्यायालयों पर से विश्वास उठ जाएगा बुद्धिजीवियों का, और ये तमाम पदाधिकारियों के गुंडागर्दी है। अंधेर नगरी में चौपट राज, जहाँ के शिक्षा मंत्री भी दोषी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी दोषी हैं, क्यों इस तरह के पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं? शिक्षकों को हमेशा शिक्षा विभाग को शोध का वो विषय बनाए हुए हैं, सामंती विचारधारा, मनुवादी विचारधारा शिक्षकों के संदर्भ में रखे हुए हैं। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र के प्रमुख प्रहरी में
शिक्षाविद आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, शिक्षक आते हैं और उनके सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, उनके परिवार के साथ आप जिस तरह का अपमानजनक जो कार्रवाई कर रहे हैं या बर्दाश्त से बाहर है जी, जाहिर सी बात है ये बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन इतना देखना होगा शैलेंद्र शर्मा जी की अगर एक शिक्षक के भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं तो उसके पीछे उनकी फैमिली होती है। अगर आप हजारों शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शायद अगर पूरी फैमिली अगर इससे प्रभावित होती है तो उसकी संख्या लाखों में जाती है। सरकार को विचार करना होगा इस पर कोई फैसला लेने से पहले। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली राहुल देव सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।